नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। इस वीडियो में हम दिखाना चाहते हैं कि मुंह का कैंसर कैसे दिखता है। मुंह के कैंसर के पहले भी कुछ स्टेजेस रहते हैं, उसे हम प्री कैंसर या प्री मैलिग्नेंट लीजन बोलते हैं। अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहला है ल्यूकोप्लाकिया। ये चित्र में आप देख सकते हैं ल्यूकोप्लाकिया मतलब क्या है। इसमें ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड प्लाकिया मीन्स पैच। इसमें ये पेशेंट के गाल में हमें दिखाई दे रहा है कि एक पूरा पैच व्हाइट हुआ है, इसे ल्यूकोप्लाकिया कहते हैं। ल्यूकोप्लाकिया ये प्री कैंसरस कंडीशन है, इसमें आगे जाके कैंसर होने की संभावना रहती है। ये आप दूसरा चित्र देख सकते हैं, इसे हम इरिथ्रोप्लाकिया कहते हैं। इरिथ्रोस मीन्स रेड और प्लाक मीन्स पैच। इसमें इरिथ्रोप्लाकिया एक प्री कैंसरस कंडीशन है जिसमें अभी कैंसर नहीं है बट आगे जाके इसमें कैंसर होने की संभावना रहती है। ये रही प्री कैंसरस यानी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। ऐसे ही सब म्यूकस फाइब्रोसिस, आप ये तीसरा चित्र देख सकते हैं, इसमें ये पेशेंट का मुंह खुल नहीं पा रहा है, जो जखम बना है उसकी वजह से वो उसका मुंह पूरा खुल नहीं रहा है, इसे हम सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। सब म्यूकस फाइब्रोसिस भी प्री कैंसरस कंडीशन है, अगर हम ऐसे ही इसे छोड़े तो आगे जाके इसमें कैंसर हो सकता है। मुंह के कैंसर के लक्षण में सबसे पहला कॉमन लक्षण है जो मुंह में जखम यानी कि छाले हो जाना। ये पहला चित्र हम देख सकते हैं, इसमें जबान पे लगभग 5 सेंटीमीटर साइज की गठान यानी कि अल्सर है, इसे हम जबान का यानी टंग कैंसर बोलते हैं। ये आप दूसरा चित्र देख सकते हैं, मसूड़े पे इस पे जखम है, इसे अल्सर बोलते हैं, जिंजो बकल अल्सर, ये भी मसूड़ों का कैंसर है। आप ये तीसरा चित्र देख सकते हैं, इसमें लिप्स यानी एंगल ऑफ लिप्स यानी कि ओठों के साइड में जख्म है, इसे हम लिप का कैंसर बोलते हैं। मुंह का कैंसर में अगर हम जानना चाहते हैं तो लिप यानी ओठ, जबान यानी टंग, जबान के निचले वाला पार्ट यानी कि फ्लोर ऑफ माउथ, मसूड़े यानी जीबी सल्कस, हार्ड पैलेट यानी मुंह का ऊपर का पार्ट, और रेट्रोमोलर ट्राइगोर यानी कि लास्ट टूथ के पिछला वाला पार्ट, ये सब 7 सबसाइट आते हैं। इधर किधर भी ऐसे चित्र आप मैंने दिखाए वैसे अगर जख्म होता है तो ये मुंह के कैंसर का लक्षण है। इसके बाद अगर नेक में, ये फोटो आप देख सकते हैं, नेक में यानी कि गर्दन में कोई गठान आती है जिसे हम लिम्फ नोड एनलार्जमेंट बोलते हैं, यह भी मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इनमें से कोई भी लक्षण रहे तो आपको तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट से यानी कि कैंसर सर्जन से मिलना चाहिए और आपकी जांच करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी कैंसर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें आप हमारे मेल आईडी पे इंक्वायरी भेज सकते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कैंसर के बारे में कुछ भी मदद चाहिए तो मदद करने में हमें खुशी होगी, आनंद होगा। अगर मुंह के कैंसर के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए।